दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पानी की मोटर लेकर आए हैं जो कि आपके सप्लाई का जो पानी है वह 400 फीट दूरी से भी खींच लेगी, और यह जो मोटर है आपके घर में चलेगी तो पड़ोसियों के पानी आना बंद हो जाएगा और जो पानी आएगा तो आपके ही आएगा। कंपनी का नाम सामने आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं, ओरिएंट ORIENT है, और डोमेस्टिक पंप है BMS2, यह इसका मॉडल है। इस पंप को हम सेंट्रीफ्यूगल रीजनरेटिव पंप भी बोल सकते हैं। इस मोटर के अंदर स्टेनलेस स्टील की शाफ्ट आपको मिलने वाली है, 100% कॉपर की वाइंडिंग आपको इस मोटर के अंदर मिलने वाली है। इस मोटर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है, अब सामने इसका लुक देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही हेवी क्वालिटी की आपको यह पानी की मोटर देखने को मिलने वाली है। आगे की साइड से आप इसका लुक देख सकते हैं, बड़े हेड की जो मोटर होती है जिसको हम बड़े इंपेलर वाली जो मोटर बोलते हैं वही यह मोटर है, और एक साइड से पानी इनपुट होगा और दूसरी साइड से पानी आउटपुट होगा। 1 इंच की पाइप लगाई जाती है ऊपर की साइड में, जहाँ से इनपुट है और जहाँ से आउटपुट है वहाँ पर। साइड से मोटर का लुक आपको इस तरह का देखने को मिलने वाला है, 2 कैपेसिटर लगे, 1 रनिंग का और 1 स्टार्टिंग का, 2 होल इस साइड है, 2 होल उस साइड है, ताकि आप मोटर को कहीं पर भी फिट कर पाएं। और यहाँ पर आपको वायर बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है जिसको हम बिजली के अंदर लगाते हैं। हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है 220 वोल्ट की, उसके ऊपर हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। बैक साइड से आप इसका लुक देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। अंदर की साइड में एक फैन लगा होता है जो कि बाहर से हवा को खींच के आगे जो मोटर है उसकी तरफ फेंकता है ताकि मोटर गर्म ना हो। फैन के ऊपर जो कवर लगा हुआ है यह आपको लोहे का मिलने वाला है। इसके अंदर जो बेयरिंग लगे हुए हैं SKF के बेयरिंग लगे हुए हैं। मोटर के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर के ऊपर इस मोटर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलने वाली है, जैसे कि मैं आपको एक बार सभी जानकारी बता भी देता हूँ। यह जो मोटर है यह ओरिएंट कंपनी के मोटर है, सिंगल फेज CSCR टाइप मोनोब्लॉक, और वोल्टेज की बात करते हैं 200 से 240 वोल्ट के बीच में यह मोटर चलती है, यानी कि हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है लगभग 220-240 के आसपास आती है, उसके ऊपर आप इस मोटर को चला सकते हैं। क्लास A के अंदर आती है 50 HZ, और एम्पेयर की बात करते हैं 3.9 है। इस मोटर के RPM है 1420, यानी कि दोस्तों 1 मिनट के अंदर यह 1420 बार घूमती है। टाइप की हम बात करते हैं तो BMS2 टाइप है। साइज की हम बात करते हैं 25x25, यानी कि 1 इंच की पाइप इसके अंदर लगाई जाती है। HP की बात करते हैं तो हाफ HP की मोटर है, जिसको हम 0.5 HP बोल देते हैं। किलोवाट की हम बात करते हैं 0.37 किलोवाट है, यानी कि यह जो मोटर चलेगी तो यह 370 से 375 वाट बिजली खपत करती है। हेड की हम बात करते हैं तो 18 मीटर का आपको इसका हेड मिलने वाला है। कैपेसिटी की हम बात करते हैं, यानी कि पानी फेंकने की जो इसकी क्षमता है 1 मिनट के अंदर 35 लीटर की है। 1 घंटे के अंदर हम पानी फेंकने की क्षमता के बारे में बात करते हैं तो 1 घंटे के अंदर यह जो मोटर है 2000 लीटर प्लस पानी फेंकती है। इसके अलावा नीचे कंपनी का आप एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल भाषा में मैं आपको बता देता हूं, आप इस मोटर को यूज़ करेंगे तो आपके सप्लाई का जो पानी है वह 300-400 फीट दूर है, तो आप इस मोटर के द्वारा आसानी से खींच सकते हैं। इसके अलावा पानी टूट कर आता है, आराम से आता है, तो भी यही जो मोटर है यह कामयाब रहेगी। इसके अलावा आपको ऊपर टैंक के अंदर पानी पहुँचाना है तो 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस मोटर के द्वारा पानी ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। यदि आपको ज़मीन से पानी खींचना है तो इस मोटर के द्वारा आप 30 से 35 फीट नीचे जमीन से पानी है वह आसानी से खींच सकते हैं। इस मोटर के अंदर जो आपको वेट मिलने वाला है, ग्रॉस वेट आपको 20 किलो के आसपास मिलने वाला है। इसका जो MRP 12,562 रुपये दिया हुआ है। इस मोटर को आप मार्केट से परचेज करेंगे तो यह लगभग आपको 8,500 से 9,000 रुपये के बीच में मिलने वाली है। इस मोटर की हम गारंटी वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी के द्वारा इसकी 1 साल की वारंटी दी जाती है।